हिमाचल में पड़ रही प्रचंड गर्मी से जल स्रोतों में पानी का लेवल घट गया है, जिसके परिणाम स्वरूप शिमला में जल संकट गहरा हो गया है। कई स्थानों में 4 से 5 दिनों बाद पानी की सप्लाई की जा रही है, वो भी नाकाफी है। पानी की किल्लत के चलते शहर के लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। शिमला के लोगों का कहना है कि पानी की दिक्कत से काफी परेशान होना पड़ रहा है। घर के हर एक काम में पानी की जरूरत होती है, लेकिन पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि टैंकरों में पानी दिया जा रहा है, लेकिन बुजुर्ग लोग टैंकर से पानी नहीं भर सकते। अरे तो रिग्यान में जी 8-8-10 दिन हो जा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। और मैं सीनियर सिटीजन है, मुझे इतनी पानी की प्रॉब्लम है। कभी बेटा बाहर होता है तो मैं कहाँ से लूँ। हमारा घर का नाम है भागड़ा निवास, पंकज भागड़ा निवास। तो देखो जी पानी की इतनी दिक्कत है। चलो नहाने को तो छोड़ो, 8-8 दिन नहाए को हो जाते हो तो कोई बात नहीं। जो पानी पीना है वो कहाँ से भरते हैं हम रोटी खाने को। मेरा नाम राहुल। पानी की काफ़ी किल्लत भी पड़ रही है जी। पानी की दिक्कत हो है, 3-4 दिन से पानी की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आज की डेट में 32 से 35 MLD पानी उपलब्ध हो रहा है, तो अल्टरनेटिव पे आना चाहिए, स्वाभाविक है। तो अगर 45 का आधा भी है, अगर वो मिलता तो अल्टरनेट पे आना चाहिए, अदरवाइज़ थर्ड डे पे तो मिलना चाहिए। तो चौथे दिन और या पाँचवें दिन, ये तो बहुत ही एक अन्याय होगा लोगों के साथ। और इसके लिए इन्होंने पहले स्टेप ले लेने चाहिए थे, जैसे जितने भी हैंडपम्प है दोज हु आर नॉट इन वर्किंग कंडीशन, उन्हें रिपेयर कर लेना चाहिए थे। नए ट्यूबवेल बोर होने चाहिए थे, नए टैंकर की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो ये चीज़ें मैनेज करनी थी, साथ में चेक डैम की बहुत आवश्यकता थी। जितने भी हमारे सोर्सेज है गुमाचेड़ चूर और अदर कोटी ब्रांडी वाली साइट्स है, इनमें जो सोर्सेज है उस पे चेक डैम, ताकि वो पानी रिचार्ज होके दोबारा से आज ड्राई डे में जो है पानी उपलब्ध होता, ऐसी व्यवस्था होना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। मैं हेमलता शर्मा यहीं पास ही शिवनगर टूटू में रहती हूँ, और यहाँ पे 6 दिन बाद पानी आ रहा है, और कपड़े धोने की बहुत मुश्किल हो रही है। बच्चों की ड्रेस, 2-2 ड्रेसें हैं, और बच्चों को ड्रेस धोने के लिए पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे पानी पीने के लिए तो हम हैंडपम्प से ले जाते हैं, और यहाँ पे भी 2-2 घंटे हमारे को वेट करना पड़ता है पानी के लिए। मैं निशा शर्मा शिवनगर से। सर यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है, यहाँ पे पानी 6-7 दिन बाद आ रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, हमें कपड़े धोने के लिए और पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे देखो पशु जैसे यहाँ पे इनको भी पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत। प्लीज़ कृपया ऐसा है कि पानी छोड़ दे। तो सर हम यहाँ पे हैंडपम्प पे आ रहे हैं, पर हैंडपम्प भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है हैंडपम्प पे भी। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।